कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य मुख्यालयों पर धरना दिया। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे, जब तक कि सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता तब तक हम इस अभियान को जारी रखेंगे। ये तानाशाही सरकारों का रवैया है, मैं कहना चाहता हूँ। ये तो 14 दिन हुए हैं, अभी आपको याद होगा किसानों का आंदोलन पूरे एक साल चला था, 750 किसानों की मृत्यु हुई, इस सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए मैंने कहा आरएसएस की तानाशाही सरकारों को झुकना पड़ेगा। अपने चंद मित्रों को वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 बना सकते हैं व्यापारियों को, लेकिन गरीबों को आप और गरीब मध्यवर्गीय परिवारों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। मजदूर सड़क पर आज नहीं आ सकता, लेकिन उस दर्द को राहुल जी समझ सकते हैं, कांग्रेस के नेता समझ सकते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर, हमारे सांसद आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी गई, आज पार्लियामेंट एडजॉर्न हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 41 डिग्री टेम्परेचर में कांग्रेस के नेता धरने पर है, तो जनता के लिए है। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिल्ली में शराब सस्ती और सब्जी महंगी, ये कैसे दिल्ली और शहर बना दिया, इसी के खिलाफ हम धरने पर। बता दें कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में महंगाई के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर बैनर लिए हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लुटपिट कर ना हाथ मलो, कांग्रेस के साथ चलो के पोस्टर लिए हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार महंगाई से आम जनता बेहाल है और केंद्र सरकार हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट।